वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखने जा रहे हैं वेजिटेबल मिक्स सैलेड। तो स्टार्ट करते हैं कैसे बनाना है। मैं आपको पहले इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। मिक्स वेजिटेबल्स आपको यूज करनी है, ब्रोकली, कैबेज, टोमेटो, कॉलीफ्लावर और गाजर। ठीक है, ये सब आपको बारीक बारीक काट के रख लेनी है। और भी अगर आप कोई वेजिटेबल यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ब्रोकली इसलिए यूज की जाती है क्योंकि इसमें विटामिन की क्वांटिटी ज्यादा होती है और ये सैलेड में ज्यादातर यूज होती है। बाकी हमें चाहिए होगा रिफाइंड ऑयल, बारीक कटी हुई मिर्च, धनिया, मसाले में आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो, लाल मिर्च, नमक और गर्म मसाला और बारीक कटी हुई लहसुन और अदरक। चलिए अब हम क्या करेंगे, कढ़ाई रख देंगे गर्म होने के लिए और उसमें 2 टेबलस्पून आपको ऑयल डाल लेना है। वैसे सैलेड में अगर आप फैट फ्री ऑयल यूज करें तो ज्यादा सही रहेगा। अब आपको तेल गर्म होने पर इसमें लहसुन डाल लेनी है इस तरह से। और मिर्चा डाल देनी है थोड़ी सी, ज्यादा खाते हैं तो ज्यादा डाल लीजिए और इनको थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने दें। ठीक है, गोल्डन ब्राउन हो गई है अभी। अब हम इसमें वेजिटेबल्स डाल लेंगे, पहले ब्रोकली, फिर ये आपकी कैबेज और गोभी और लास्ट में टोमेटो। मिक्स करना है। पकते हुए ही इसमें आप नमक डालने थोड़ी सी। अभी आपकी मर्जी है कि आप इसे कितना पकाना चाहते हैं। लाइक जिसको सिर्फ थोड़ा सा कच्चा ही पसंद है वो इसे हल्का सा 2-3 मिनट के लिए ढक के या गर्म करके निकाल सकते हैं। जिसको आधा कच्चा हुआ चाहिए वो थोड़ा सा 10 मिनट तक पकाए। तो थोड़ी देर वेट करते हैं 2-3 मिनट का। अब आप इसमें क्या करेंगे, थोड़ा पकने पर मूंगफली डाल देंगे इस तरह से। ठीक है, थोड़ी देर गर्म होने पर इसे आपने फिर सर्व कर लेना है। सर्व करने से पहले आपने इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल लेना है। मैंने पहले भी आपको बताया था, आप अपने अकॉर्डिंग इसे जितना पकाना चाहते पका सकते हैं। अब हम इसे निकाल ले रहे हैं बाउल में। ये आपका वेजिटेबल सैलेड बिल्कुल तैयार है। कैसी लगी आपको हमारी ये रेसिपी हमें जरूर बताएं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कोई भी सजेशन करना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू सो मच।